हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेस्ट एंड पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के आसपास। गाइस, 15,000 के नीचे स्मार्टफोन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन काफी कम है। तो हमने इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च, रिव्यूज और एनालिसिस किया है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया है टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के आसपास। ये पांचों ही परफॉर्मेंस एंड के स्मार्टफोन होगा, जिससे आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं लंबे समय तक। बाकी और भी कई सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको इन सभी स्मार्टफोन के डिटेल स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ विद प्रोज एंड कॉन्स, ताकि आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, और हाँ, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हमने इन पांचों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। डिजाइन एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इस फोन का। क्या कुछ फीचर्स दिया गया है, चलिए जल्दी से जानते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ये फोन बहुत ही यूनिक रहेगा। वैसे ध्यान रहे, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। 9mm की थिकनेस है, मतलब स्लाइटली थिक है ये फोन, एंड 220 ग्राम वेट है, तो वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है। NIPX2 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। और बैक पैनल में RGB लाइट लगी हुई है, जिसके कारण दिखने में काफी अच्छा लगता है ये फोन। तो डिजाइन वाइज डेफिनेटली ये फोन बेस्ट रहेगा। चलिए इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स भी जान लेते हैं जल्दी से। सो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G SIM और 1 memory card सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, जो कि DTS ट्यूनिंग के साथ आता है, एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन XOX 13। इस फोन को 1 major एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 2 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। वैसे इस फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। खैर, बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 68W फास्ट चार्जिंग को। तो बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा, एंड कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। वैसे दोस्तों, इस फोन में बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। वहीं बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की Full HD+ IPS डिस्प्ले। 120Hz फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, एंड 580 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो ओवरऑल डिस्प्ले आपको डिसेंट टाइप का देखने को मिलता है प्राइस के हिसाब से। डिस्प्ले का साइज बड़ा है, एंड स्टीरियो स्पीकर भी है, तो गेमिंग और कंटेंट वॉचिंग के लिए अच्छा रहेगा। बात करें कैमरा के बारे में, तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है। इसके अलावा सेकंड कैमरा AI लेंस है। रियर कैमरे से 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 2K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इस फोन का ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट या फिर अबव एवरेज टाइप का रहेगा। डे लाइट में लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, यूं मानकर चलिए कैमरा काम चला ही रहेगा। परफॉर्मेंस सेगमेंट के बारे में बात करें, तो ये फोन अपने साथ लेकर आता है MediaTek Dimensity 6080 वाला 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है, इसे आप Snapdragon 695 इतना मान सकते हैं। 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UMCP का स्टोरेज टाइप NLPDDR4X वाला RAM है, तो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन अच्छा रहेगा। नॉर्मल टास्क में कोई ज्यादा इशू देखने को नहीं मिलता है, आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। गेमिंग के लिए आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा, वैसे भी ये एक गेमिंग फोन ही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है ये फोन। डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है, एंड ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। NFC भी आता है। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 15,000 रुपीज है, बट फिलहाल 1100 रुपए का कूपन मिल जाएगा Amazon के ऊपर। इसके अलावा 1000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें 4th नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो नंबर 4 पर है हमारे पास एक और बहुत ही कमाल का फोन। जी हाँ, इस फोन का नाम है Moto G54 5G। 14 से 15 हजार के रेंज में मिल जाएगा ये फोन आपको। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, इस फोन का बैक पैनल PMMA मटेरियल से बना हुआ है, विच इज स्लाइटली बेटर देन द प्लास्टिक। 8.9mm की थिकनेस है, मतलब थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, एंड 192 ग्राम वेट है। IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, विच मीन्स हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस वाला, एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G SIM या फिर 1 SIM और 1 memory card लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन MIUI UX। तो UI काफी हद तक नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको। इस फोन को 1 year तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 years तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। एंड मोटो का फोन है, तो थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है आपको।
चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जानते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 6000 mAh की मैसिव बैटरी जो कि सपोर्ट करती है 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को। तो नॉर्मल यूज में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है और 580 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है, आईपीएस पैनल है लेकिन पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी है। मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए अच्छा है क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर भी है। खैर कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। रियर कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, OIS होने की वजह से लो लाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है ब्रांड न्यू MediaTek Dimensity 7020 वाला 5G चिपसेट। ये एक बिल्कुल न्यू चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है, 4.5 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस फोन से। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो राइट नाउ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 14,000 rupees देने होंगे, बाकी 1,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बेस वेरिएंट बैंक ऑफर के साथ 13,000 के नीचे मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमाल का फोन रहेगा। खैर ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। वहीं बात करें तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में तो नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये भी दोस्तों गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और देखा जाए तो इस लिस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल फोन है ये। मैं बात कर रहा हूँ Infinix Zero 5G 2023 के बारे में। वैसे तो इस फोन को लॉन्च हुए थोड़ा सा समय हो गया है लेकिन अभी भी 15 से 16 हज़ार के बीच में काफी अच्छा फोन है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज ये फोन काफी प्रीमियम रहेगा, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है लेकिन ये ऑरेंज वाला वीगन लेदर से बना हुआ है। 8.7mm की थिकनेस है एंड 199g वेट है। सो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं आप। और इस फोन में आपको मिलता है सिंगल स्पीकर जिसके आउटपुट ठीक ठाक है। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है ये फोन बेस्ड ऑन XOX 12। इस फोन को 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट एंड ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले। ये एक LTPS पैनल है विच इज स्लाइटली बेटर देन द आईपीएस पैनल। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है एंड 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, आईपीएस पैनल है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ कैमरा है और थर्ड कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का है और ये मैक्रो लेंस है। रियर कैमरे से 4K में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट रहेगा, मेन कैमरा लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। वैसे भी ये एक गेमिंग फोन है बट फिर भी कैमरा ठीक ठाक है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 920 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक काफी पावरफुल चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है, 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको इशू नहीं होगा, नॉर्मल टास्क में कोई ज्यादा लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, आराम से आप हाई सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है और हाँ ये फोन वाईफाई 6 के साथ आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 rupees है, 1,000 से 1,500 का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा अलग से। तो 15,000 की रेंज में अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं, अच्छा पैकेज है। ये रहे प्रोज एंड कॉन्स।
चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन भी परफॉर्मेंस वाइज काफी अच्छा रहेगा और मेरे हिसाब से ये एक ऑलराउंडर पैकेज है। खैर इस फोन का नाम है Realme 11 5G। 15 से 16,000 के बीच में ये फोन भी आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा ये फोन। बैक पैनल प्लास्टिक से बना हुआ है और फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। 8.1 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 190 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। Realme इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और साथ में 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा और एक दिन का बैटरी बैकअप भी इजीली दे ही देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस IPS डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है एंड अप टू 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा है, साइड के बेजल्स वगैरह काफी कम है, बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए तो है ही अच्छा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का जो मेन कैमरा है अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, डेलाइट में काफी सही फोटो देखने को मिल जाती है, बाकी अगर अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो ज्यादा बेहतर रहता। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है MediaTek Dimensity 6100 वाला प्लस 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है, 400,000 से ऊपर अंतत स्कोर आता है, साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो राइट नाउ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 रुपए है। ध्यान रहे 1000 से 1500 का अलग से और बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बाकी अगर आपको ये फोन 15 से 16,000 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, काफी सही फोन है। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन गेमिंग के लिए तो अच्छा रहेगा ही, इसके साथ ही इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस भी काफी सही है। इस फोन का नाम है IQ G7S 5G। फिलहाल ये फोन भी आपको 15 से 16,000 के रेंज में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दिखने में ये फोन काफी प्रीमियम है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। सिर्फ 7.8 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा एंड 172 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है। और IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, सो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन फन टच OS 13। इस फोन को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 4500 mAh की बैटरी और साथ में ही 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर यूजर्स में भी ब्राइटनेस इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, काफी ब्राइट डिस्प्ले है और एमोलेड पैनल है, जिसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा पुराना फील करा सकता है ये फोन आपको। कैमरा के बारे में बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल एचडी में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, मेन कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लगभग हर सिचुएशन में, कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो और अच्छा रहता,
परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक काफी स्टेबल चिपसेट है, 6 nm पर बना हुआ है और 4 लाख से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है, तो परफॉर्मेंस से भी आपको इशू नहीं होगा। नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो राइट नाउ 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 रुपीज है और 1500 तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। खैर ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग फोन या फिर परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा 15,000 के आसपास। प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी के बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।